हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। ये देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल की सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों, ये आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए, इसमें मैंने मिलाया है मसूर की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल, तीनों मिक्स हैं। और इसको मैंने सिलबट्टे पे पीसा है, मिक्सी में नहीं पीसा है, मिक्सर का स्वाद नहीं अच्छा लगता। और आलू मटर है ये, और ये है टमाटर, और ये देखिए मैंने इसी दाल की बड़ी बनाया हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट। ये भी डालेंगे इसी में। और ये देखिए मेरा मसाला पक रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्जी, एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखिए। और इसमें मैं डालूँगी ये अशोक मसाला, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। गाइस, दाल तो मैंने ये देखिए थोड़ा सा दाल इसमें मिलाया हुआ है, अब दाल भी भून लेंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी, एक बार ज़रूर बना के देखिए आप लोग। इसी दाल के साथ मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, साथ में टमाटर पक जाएगा। एक बार ऐसे बना के देखोगे ना, चावल के साथ तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, ऐसे बना के देखेंगे तो आप एक बार अगर बनाओगे ना तो बार बार खाओगे, उंगली चटते रह जाओगे। थोड़ा मेहनत लगती है लेकिन स्वाद के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। ये देखिए अब मैं इसको पका लूँगी, फिर ये बड़ी डालूँगी, बहुत ही स्वादिष्ट ये बड़ी है। ये देखिए दाल की कितनी अच्छी मैंने बनाया हुआ है, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है ना। और इसको धीरे धीरे पकाऊंगी, अब इसमें ये डाल दूंगी आलू मटर। ये देखिए वाओ, एक बार ऐसे बना के देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कोई सब्जी ना हो तो यही बना सकती हैं, ऐसे मसाले वाली सब्जी अच्छी लगती है ठंडी में। ये देखिए दोस्तों, तेल कितना ऊपर आ गया है, ये देखिए मसाला भुन गया है, आलू इसी में भुन गए हैं। और मैं इसको चला दूंगी अच्छे से, इतनी स्वादिष्ट, एक बार आप ज़रूर बना के देखिए। वैसे अपनी तारीफ अपने हाथ से नहीं अच्छी लगती है। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए तभी मैं आऊँगी आप लोगों के सामने। जब तक आप लोग वॉच टाइम नहीं पूरा कराएंगे तब तक मैं सामने नहीं आऊँगी कैमरा के, आवाज़ सुनते रहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने बनाया हुआ है बड़ी, ये देखिए कितनी स्वादिष्ट बड़ी। ये गाइस मसाला पक चुका, अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। जितनी आपको ग्रेवी खानी हो उसी हिसाब से आप पानी डालिए, अभी ये गाढ़ी हो जाएगी ना, पकेगा तो सब। लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए तभी स्वाद आएगा, लोहे की कढ़ाई में बनाने से ना आयरन भी मिलता है। कोई भी सब्जी आप बना के देख लीजिए, लोहे की कढ़ाई का स्वाद अलग ही रहेगा, कुकर में तो बस ऐसे ही प्रेशर से पक जाता है। दोस्तों ये देखिए मेरी सब्जी पक चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी धनिया की पत्ती। देखिए गाइस, मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दिया है, आप इसको चावल के साथ सर्व करें या रोटी के साथ। ये देखिए अभी ये रखी रहेगी ना,
गाढ़ी हो जाएगी। देखिए आयरन छूटा हुआ है तो कलर देखिए चेंज हो गया सब्जी का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब मैं रोटी बना लूंगी, फिर सभी लोगों को सर्व करूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट आज लंच बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं मोटी वाली रोटी बना रही हूँ, इसके साथ यही अच्छी लगती है। सर्दियों में तो मोटी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको चूल्हे की तरह मैं सेकूंगी, बहुत ही स्वाद आता है इस रोटी में। ये देखिए, चाहे तो आप इसको नमक के साथ भी खा सकते हैं, घी लगा के। गांव का मक्खन मिल जाए तो उसका आनंद ही अलग है। ये देखिए दोस्तों, मैंने बना लिया इसको। देखिए रोटी कितनी फूल रही है दोस्तों, ऐसे ऐसे इसको सेकेंगे चूल्हे की तरह, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी ये रोटी। ये देखिए, फूली रोटी बनाया है, अभी भी फूली हुई है। बहुत सर्व कर दूंगी। कितनी स्वादिष्ट सब्जी है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। ग्रेवी है, चावल के साथ खाने वाली है, लेकिन आज मैंने चावल नहीं बनाया है क्योंकि शाम को बनाऊंगी मैं फरे। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी। मैंने सिलबट्टे पे पिसा हुआ है चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट है ये चटनी। टमाटर और आम की, हरी धनिया, प्याज, जीरा, हींग, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। अब मैं रोटी सर्व कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट है ये। ये देखिए दोस्तों, कैसा लगा मेरा भोजन। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट। आप लोग भी सोचते होंगे क्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट कर रही है, कितनी है अच्छी। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियो बना बना के डालती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।